महामहिम में आज बारी देश के सातवें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह की। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है dlllntop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। इस पूरे राजनीतिक कवायद की शुरुआत होती है 8 जून 1982 से। देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के घर पहुंचते हैं उनके सहयोगी पेट्रोलियम मिनिस्टर शिवशंकर। बताते हैं कि मैडम ने आपका नाम तय कर दिया है राष्ट्रपति के पद के लिए। ज्ञानी को इस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ क्योंकि शिवशंकर मैडम के कोई खास तो थे नहीं, लेकिन दोपहर में ही उनके घर पहुंचे इंदिरा गांधी के बेटे, अमेठी के सांसद और कांग्रेस के महासचिव राजीव गांधी। जब राजीव गांधी ने ये खबर दी तो ज्ञानी जैल सिंह को भरोसा हो गया। राजीव ने उनको दो हिदायतें भी दी। पहली ये कि आप नामांकन की तैयारियां शुरू करिए, उसके लिए जो भी कागजी कार्रवाई है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये कि ये खबर अभी गोपनीय है, आप किसी को बता नहीं सकते। इंदिरा गांधी ने ये दूसरी हिदायत क्यों दी थी? क्योंकि वो विपक्ष को उसकी ही चालों पर मात देना चाहती थी। विपक्ष जिसके एक धड़े की अगुवाई चौधरी चरण सिंह कर रहे थे, जिन्होंने 31 मई को इंदिरा गांधी को एक खत लिखकर अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी थी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा को खत लिखा और कहा कि जैसे जनता पार्टी के शासनकाल में नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने हैं, वैसे ही इस बार भी सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने खत का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस की तरफ से इस दौरान राष्ट्रपति के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आते रहे। एक बारगी तो मीडिया को ये लगा कि पीवी नरसिम्हा राव का नाम पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के नेता और इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश मंत्री के पद पर। फिर कहा गया कि नरसिम्हा राव की दावेदारी कमजोर पड़ गई है क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार में बतौर रक्षा मंत्री काम कर रहे आर वेंकट रमन का नाम फाइनल हो गया है। फिर कहा गया कि ये दोनों नाम खारिज कर दिए गए हैं साउथ इंडिया से आने के बावजूद, क्योंकि ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण हैं। बीच में बीडी जत्ती का भी नाम चला, जो इंदिरा गांधी की पिछली सरकार के दौरान उपराष्ट्रपति रहे थे और फिर जनता पार्टी का शासन आ गया, इस वजह से वो राष्ट्रपति के पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं कायम कर पाए। उनका नाम भी हवा में घुल गया और आखिर में ज्ञानी जैल सिंह का नाम आया। इंदिरा गांधी ज्ञानी जैल सिंह के बारे में अपने पत्ते इसलिए नहीं खोलना चाहती थी क्योंकि वो एक तो ये देखना चाहती थी कि विपक्ष किसे पेश कर रहा है, दूसरा उनको ये अंदेशा भी था कि गुरुदेव कमीशन की रिपोर्ट की वजह से और ज्ञानी जैल सिंह की ओवरऑल छवि की वजह से मीडिया भी उनके खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करेगा। गुरुदेव कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि ज्ञानी जैल सिंह के दल खालसा यानी कि पंजाब में आतंकवाद मचा रहे लोगों के साथ संबंध है। हालांकि बाद में कांग्रेस की सरकार आई, ज्ञानी जैल सिंह के धुर विरोधी दरबारा सिंह उस सरकार के मुख्यमंत्री बने और इंदिरा गांधी के दबाव में उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को क्लीन चिट दे दी। लेकिन कांग्रेस में ज्ञानी जैल सिंह वैसे भी लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनको संजय गांधी ने 1972 में मुख्यमंत्री बनाया था, 1980 में संजय गांधी ने ही उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया था, लेकिन उनके गृह मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही संजय गांधी का प्लेन हादसे में निधन हो गया। राजीव गांधी दरबारी नेताओं को उस वक्त ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, कम अज़ कम उन नेताओं को जो पुरानी पीढ़ी के थे और इंदिरा की कोटरी का खुद को हिस्सा समझते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी बोली राजीव से कि जैल सिंह के नाम का ऐलान 22 जून को कांग्रेस की संसदीय दल की मीटिंग में करेंगे। विपक्ष क्या कर रहा था? मैंने पहले जिक्र किया कि 31 मई को चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा को खत लिखा। जब इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो 16 जून को चौधरी चरण सिंह ने दूसरा खत लिखा। इसमें सिर्फ उन्होंने सर्वसम्मति की बात ही नहीं कही बल्कि उस वक्त के उपराष्ट्रपति हिदायतुल्ला का नाम भी सुझा दिया। इंदिरा इसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हिदायतुल्ला का नाम सामने आया, दूसरे विपक्षी दल शोर मचाने लगे कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। इंदिरा गांधी ने 17 जून को चौधरी चरण सिंह को जवाबी खत लिखा और उसमें कहा कि ये जो बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को ही राष्ट्रपति बनाना चाहिए, ये उन सारे राजनीतिज्ञों का अपमान है जिन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी की शोभा बढ़ाई है, चाहे वो राजेंद्र बाबू हों या फिर दूसरे नेता। इंदिरा गांधी 5 दिन की मोहलत और चाहती थी। ऐसे में विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट गया। हिदायतुल्ला को जब पता चला कि दूसरे विपक्षी दल उनके नाम का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने दावेदारी वापस ले ली। अगला नाम सामने आया फील्ड मार्शल मानिक शाह का, जो 1971 के युद्ध के नायक थे। बाबू जगजीवन राम ने उनका नाम पेश किया लेकिन मानिक शाह किसी भी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। ये नाम भी ड्रॉप हो गया। तीसरा नाम आया विपक्ष की तरफ से हीरेन मुखर्जी, 72 साल के कम्युनिस्ट नेता का। लेकिन उस समय के प्रावधानों के मुताबिक हीरेन मुखर्जी
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसके मेंबर नहीं थे, इसलिए वो एलिजिबल नहीं रहे। दिलचस्प ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी थी वो हीरेन मुखर्जी के नाम पर सहमत हो गई थी, जबकि वामपंथी और दक्षिणपंथी खेमे हमेशा अलग अलग ही देखे जाते रहे हैं। फिर नाम आया एनजी गोरे का, जो लंदन में हाई कमिश्नर रहे। भोला पासवान शास्त्री का नाम भी आया, बिहार के दलित नेता जो पहले कांग्रेस में थे, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद राज्यसभा सांसद भी। जब सब नाम गिर गए तो आखिरी में सहमति बनी जस्टिस एचआर खन्ना के नाम पर। जस्टिस खन्ना जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर एक वर्डिक्ट दिया था जिसको केशवानंद भारती वर्डिक्ट कहा जाता है, जिसमें सरकार पर अंकुश लगाते हुए उन्होंने कहा था कि संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता। जस्टिस खन्ना की इंदिरा गांधी से रार इस बात पर ठनी थी कि हैबियस कॉर्पस के मामले में इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एक फैसला दिया था जो सरकार के खिलाफ गया, और इसके बाद इंदिरा ने उनकी वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए उनसे कहीं जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया, जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष की तरफ से जस्टिस एचआर खन्ना और पक्ष की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह के नाम का ऐलान होने की कवायद। 22 जून को मीटिंग हुई कांग्रेस संसदीय दल की। राजीव गांधी पहले ही सभी सदस्यों को ब्रीफ कर चुके थे कि मम्मी ने क्या फैसला लिया है। सबने इंदिरा गांधी को अधिकृत कर दिया पार्टी के कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए, और इंदिरा ने तय किया कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देश को बताएंगी कि ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगे। लेकिन मीटिंग के ठीक बाद कांग्रेस के नेता, कर्नाटक के नेता गुंडू राव ने एक रिपोर्टर को बोल दिया सरदार जी का नाम तय हो गया है। सरदार जी को पहले से ही पता था, एक रिपोर्टर को पता चला, फिर पूरे देश को पता चल गया, और इंदिरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। ज्ञानी जैल सिंह से कहा कि आप दौरे पर निकलिए और मैं आपके नामांकन पत्र में दस्तखत करूंगी। अब एक तरफ ज्ञानी जैल सिंह है, दूसरी तरफ एचआर खन्ना। कांग्रेस के अगर उस समय के प्रभुत्व की बात करें तो 65% वोट उनके साथ थे लोकसभा और विधानसभा मिलाकर। ऐसे में ज्ञानी जैल सिंह का चुना जाना तय था। इंदिरा को चिंता इस बात की थी कि देश की जनता के बीच किस तरह का संदेश जा रहा है। संदेश अच्छा नहीं था। विपक्षी पार्टियां तो हमला कर ही रही थी, पत्रकार भी नहीं बख्श रहे थे। मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल लिखा कालीगुलाज हॉर्स के नाम से। कालीगुला एक ग्रीक नायक जो अपने आप से इतना मंत्रमुग्ध था कि अपने ही नाम का, अपनी ही मूर्ति का मंदिर बनवा दिया और अपने घोड़े को उसका हेड प्रीस्ट नियुक्त कर दिया। लोगों को लगा कि ज्ञानी जैल सिंह को भी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के प्रति, नेहरू परिवार के प्रति अपनी वफादारी का इनाम मिला है, इस बड़े पद पर बैठने की सलाहियत उनके भीतर नहीं है। लेकिन जिस चीज को पत्रकार ज्ञानी जैल सिंह की कमजोरी बता रहे थे, उसी कार्ड को खेलकर उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। बतौर मंत्री उन्होंने कई विपक्षी दलों से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। ज्ञानी जैल सिंह के पक्ष में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल तो थे ही, पंजाबियत के नाम पर, सिख के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंचने के नाम पर अकाली दल के धड़े भी शुरुआती नानुकुर के बाद उनके साथ आ गए। तमिलनाडु से डीएमके और एआईडीएमके ने उन्हें सपोर्ट किया, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, केरल की पार्टी ने, और इस तरह से ज्ञानी जैल सिंह का पलड़ा और मजबूत हो गया। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी धड़ेबाजी चल रही थी। कमलापत त्रिपाठी, जगन्नाथ मिश्र, एआर अंतुले जैसे कई नेता थे जो अंदर खाने इंदिरा गांधी से नाराज थे अलग अलग राजनीतिक वजहों से, लेकिन इंदिरा गांधी ने सबके विरोध को दरकिनार कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि ज्ञानी जैल सिंह को भरपूर वोट मिले। वोट गिरे, काउंटिंग हुई और नतीजा रहा ये। जैल सिंह को मिले 7,54,113 मूल्य के वोट, जबकि उनके विरोधी एचआर खन्ना को मिले 2,82,685 मूल्य के वोट। ज्ञानी जैल सिंह देश के नए राष्ट्रपति। शपथ ली 25 जुलाई 1982 को। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जहां शपथ होनी थी, दिलचस्प नजारा था। फरीदकोट उनका मूल गांव, वहां के आसपास के लोग, रिश्तेदारों से दरबार हॉल भरा पड़ा था। हालत ये थी कि सिर्फ 300 सांसदों को भीतर बैठने की जगह मिली, लेकिन इंदिरा गांधी सबसे आगे विराजमान थी अपने इस नए नवेले राष्ट्रपति को देखने के लिए, जो दरअसल उन्हीं की ही राजनीतिक नियुक्ति था। और जो इंदिरा की विरासत संभालने वाले थे राजीव गांधी, उनको किसी तरह से पीछे की कुर्सियों पर जगह मिली। शपथ ग्रहण के दौरान ज्ञानी जैल सिंह कई बार हड़बड़ाए। अंग्रेजी में शपथ लेनी थी, चीफ जस्टिस को 2 बार अपने वाक्य रिपीट करने पड़े। उसके बाद उन्होंने भाषण दिया हिंदी में और आखिरी में ये शेर पढ़ा। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राहों की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। जैल सिंह को अंदाजा था क्या? एक तूफानी सुबह उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और उसके बाद के 5 साल बतौर राष्ट्रपति खासे तूफानी रहे। इकलौती बार देश के प्रधानमंत्री का उनके ही आवास पर कत्ल कर दिया गया। इकलौती बार देश के एक प्रमुख समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पर फौज गई। इकलौती बार राष्ट्रपति के ऊपर गोलियां चली। इकलौती बार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाए जाने की आशंका हुई। महामहिम के अगले एपिसोड में आपको बताएंगे बतौर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कैसा रहा। महामहिम, लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं
तो हमें लाइक करिए। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।